गाइस तो कैसे हैं आप लोग। मैं अनुप आ गए एक और मेगा रैम चैलेंज रेस के साथ। इतनी कोई बेकार गाड़ियां मिली है ना स्टार्टिंग में, देखकर भी रोना आ रहा है आगे से कैसी अजीब थी गाइस। फुल टाइम स्मोक निकल रहा था स्टार्टिंग में और बड़ी अजीब गाड़ी है। होपफुली ये बहुत ही प्यार के साथ चली जाए। और मेगा रैम तो मैंने अभी तक देखी भी नहीं कि नीचे है कैसी। Oh my God, गाइस बहुत पतली ट्रैक है। My God, बहुत मुश्किल होने वाला है। तेरा क्या होगा आज। वैसे गाइस साथ और चुड़ैल, तेरे चक्कर में मेरी गाड़ी गिरी। चुड़ैल गाइस गाड़ी दोबारा से रिस्पॉन की है। नुप के चक्कर में मेरी गाड़ी गिर गई। नुप आगे निकली फिर से रिस्पॉन मारा है और खतरनाक होने वाली है ट्रैक। बहुत ही खतरनाक, मतलब कि बहुत पतली है, साइड्स पे कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है और ना ही चौड़ी होने वाली है। जस्ट इतनी पतली कि अगर इसकी जगह 3-4 भी हो ना तब भी ये खतरनाक होने वाली है। बट ये सिंगल प्लेइंग बोल सकते हैं। बहुत खतरनाक स्लीव्स है और बहुत मुश्किल होने वाला है। गाड़ी को जगह ही नहीं मिलने वाली है। कैसे लुढ़काए? ओके, लुढ़का के ले जाती हूँ ऐसे करके। बहुत ओके गाइस, फाइनली मैं पहुंच गई। पहली गाड़ी पहुंच गई मेरी, थैंक गॉड। और अभी हम लेकर जा रहे हैं प्लेन। नोब, तू कितनी देर में आ रही है जल्दी से बता दे। वैसे गाइस सच्ची बता रही हूँ, पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से काफी हार्ड होने वाली ट्रैक और बहुत हार्ड होने वाली है। तो आसान नहीं है। एक तो ब्लॉक्स के अंदर बड़ा बड़ा गैप है और उसी ब्लॉक के बराबर में, और जगह बहुत पतली है, गाड़ियां बहुत गिरेंगी और बहुत ज्यादा ही गिरेंगी। डबको गिर प्लेन फट गया है मेरा सिर्फ नुपको गिराने के चक्कर में। बट क्या बोल सकते हैं, नुपको गिरने का मजा आया होगा बट कोई फायदा नहीं हुआ। मैं तो प्लेन लेकर आ गई थी, नुप तो बिल्कुल स्टार्ट में ही थी, उसने तो रिस्पॉन ही करना था। बट इट्स ओके गाइस, तो मैं फिर से ले जाऊंगी प्लेन और नुप फिर से लुढ़कती हुई जा रही है। और नुप ने जैसे ही गाड़ी नीचे उतारी ना गाइस, डर वाला फील आ रहा था। मेरा अटक गया। अरे तेरा दिमागी संतुलन खराब हो गया क्या? ओके गाइस, तो मैंने बहुत अच्छे से संभाल लिया इसको और मुझे लग रहा था कि नीचे गिरेगा या फटेगा, पर इसका पर तो टूटा नहीं था, पर तो ठीक थे तभी बच गया ये। और मैंने गाड़ी को लैंड भी करवा दिया, लैंडिंग करवा दिया। तो गाड़ी को रिस्पॉन कर लिया क्योंकि फर्स्ट गाड़ी मेरी फट जाती है। मेरी क्या फटती है, सभी की फटती होगी। कमेंट सेक्शन में बताना कितने लोगों की गाड़ियां फट जाती हैं पहली गाड़ी डिलीवर करते समय, मतलब स्टार्ट में। रिस्पॉन करने के बाद फिर कम चांसेस होते हैं, लुढ़क जाए वो एक अलग बात है, बट गिरने का, फटने का चांस बहुत कम होता है। बहुत गुस्सा आ रहा है। बहुत डूब क्यों मत कर। अरे वही गाड़ी लेकर जा रही है गाइस, अभी तक वही गाड़ी लेकर जा रही है। मेरी दूसरी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और नुब अभी तीसरी या चौथी बार गिरने के बाद उसी गाड़ी को लेकर जा रही है। नुब तुझे गुस्सा नहीं आता है कभी कभार? इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं आता तुझे? मुझ पर गुस्सा आता होगा ना? मैंने तो देखते से पंगा भी नहीं लिया, तुझे मारा भी नहीं, लेकिन तू मुसलसल मुझसे पंगे ले रही है। तुझे लगता है कि मैं तुझे छोड़ने वाली? वैसे गाइस मैंने नुब से पंगा तो लिया था, जहाज तो मैंने नुब को मारा था। बच गई। गाड़ी का हाल चेक करो पीछे से। बाय गॉड, कोई खरीदेगा इसे 1 रुपए में मुझसे? मैं दे दूंगी। ओ माय गॉड, इतनी बुरी। तो गाइस प्लेन लेकर जाते हैं और अब प्लेन के साथ में पंगे ना करूं तो बेटर है। एक तो मेरा कलर इतना फेवरेट है, फिर वाइट प्लेन आपको मिलता है तो वैसे दिल तो करता है नुप के साथ नुप को मारती रहूं। नुप को मैं ही डरा के मार दूं, बट इज्जत से जा रही हूं, छोड़ देती हूं नुप का पीछा, क्या करूं। ट्रैक ही नुप को डरा के मारने वाली है क्योंकि ट्रैक बहुत हार्ड होने वाली है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा जहाज अपना रास्ता भटक गया है। अरे क्यों टाइम वेस्ट करता है तू? ओके गाइस, तो फाइनली जहाज को डिलीवर किया अपनी जगह पर, गाड़ी को किया रिस्पॉन और अब लेकर जाएंगे इसको आराम से, बहुत प्यार से। नन्नी सी गाड़ी है और बहुत आराम से चली जाएगी, मतलब इसको तो ले जाऊंगी। बड़ी गाड़ियों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ट्रैक थोड़ी छोटी है, पतली है, और छोटी गाड़ियों के लिए इतना मुश्किल नहीं होने वाला है बिकॉज छोटी गाड़ी बैलेंस कर लूंगी मैं, इतना तो पता है आपकी दीदी को पता है। मुझे डर लग रहा है। नो, तुझे लगता है कि नहीं लगता है? एंड टाइम पे ना गाइस डर लगता है अगर एंड टाइम पे आपकी गाड़ी गिर जाए और एंड का टाइम हो, बिल्कुल एंड वाला सीन, तो मेरी जान निकलने वाली होती कि यार ऐसा क्यों हुआ, इतना जुल्म क्यों किया। ओके
तो गाइस फाइनली गाड़ी डिलीवर करती है और आपने देखा आपके दिल कितनी ज़्यादा प्रो है, और बस दिल अजीब होता है जब गाड़ी नीचे जाती है तो बहुत ही अजीब ट्रैक है। कितनी थोड़ी सी तो बड़ी देते, कम से कम दो बॉक्स की जगह भी देते तो भी ठीक रहता, क्योंकि लंबाई के हिसाब से तो लंबी है, चौड़ाई के हिसाब से बहुत कम है और बहुत गाड़ी को कम स्पेस मिलने वाली है। तो आई थिंक कि गाइस मतलब बहुत मुश्किल रहने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको बहुत कम खेलनी आती है, तो बहुत मुश्किल होने वाला है। मैगर एम चैलेंजेस ना प्रो लोग कर लेते हैं, जो थोड़े बहुत मतलब बहुत से लोगों को नहीं आता करना, मैं नुब बोलूँगी तो अजीब लगेगा, तो मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, सिर्फ मैं अपनी दोस्त को ही नुब बोल लेती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा मुश्किल होने वाला है उन लोगों के लिए जिनको लाइक गाड़ी की हैंडलिंग संभालनी नहीं आती, तो हार्ड होने वाला है बहुत ज़्यादा। नुब से पूछेंगे एंड में क्या सीन है नुब का, और नुब कितनी देर में जल्दी जल्दी गाड़ी 30 सेकंड के अंदर नुब डिलीवर कर लेगी इस ट्रैक के ऊपर गाड़ी, अगर जो मैं इस ट्रैक को विन कर भी लेती हूँ तो देखने वाला सीन होगा। और ये पहली गाड़ी है जो कि बिना गिरे आ गई है और बहुत आराम से आ गई है, बट कोई बात नहीं, अभी बहुत सारा बाकी है, बहुत सारा मज़ा और क्रिंच बाकी है, तो क्रिंच को बरकरार रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो गाइस नुब फिर से लुढ़कती 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 जा रही है, और नुब से पंगा ही नहीं लिया मैंने, मेरा जहाज पट जाता है। खामा खा कहता है कि फ्रॉगी तू मुझसे पंगा लेती है, जहाज कहता है फ्रॉगी तू मेरा दिमाग ख़राब करती है, तब मेरा दिमाग ख़राब होता है, वरना मैं सीधा सीधा जा रहा होता हूँ, बिल्कुल सही सही जाता हूँ, जैसे जैसे मुझे मोड़ती है वैसे वैसे मोड़ जाता हूँ, पंगे तू करती है फ्रॉगी, तुझे आदत है पंगे करने की, अब मज़ा आएगा, नुब की गाड़ी हल्की है। गाइस नुब अभी तक फर्स्ट गाड़ी लेकर जा रही है, और मैंने 4 से 5 गाड़ी डिलीवर कर दी है, आई थिंक 4th होगी मेरी, अब वो भी मैंने इतनी आराम से तो डिलीवर नहीं की है, बहुत संभल संभल के की है, और संभल संभल के ही करनी है यहाँ पर, यहाँ पर तो बचने की भी कोई जगह गुंजाइश नहीं है, मतलब गुंजाइश ही नहीं रखी ना, बचने वाला कोई सीन ही नहीं रखा है, और मुझे लग रहा है कि ये गाड़ी चली जाएगी, स्पोर्ट्स कार है, काफ़ी बैलेंस करते करते लेकर आई हूँ, और तुम क्या करो भाई, ओ वैन टाइप पे गिर गई गाइस, वैन टाइप पे गिर गई, मारो मुझे मारो मारो, मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा ठंडा करने के लिए कुछ नो, मुझे चोटी नोच, मुझे गुस्सा आ रहा है, ओफ मेरी गाड़ी गिर गई थी, अब तो मैं नुब तेरी बैट बजाऊंगी, अब तेरे ऊपर गुस्सा निकालूंगी। वो बेचारी पहले ही गिर गई, गुस्से को देख कर ही गिर गई, ये फ्रॉगी गिर चुकी है, अब बुरा सीन होने वाला है। वाकई में गाइस एंड में गिरने के बाद ना बुरा सीन होता है, और क्या बात है गाइस, ऊपर इंस्टाग्राम का लॉगो लगा हुआ है, बना हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंस्टाग्राम को फुल टाइम प्रमोट किया जा रहा है, अरे प्रमोशन की ज़रूरत ही नहीं है उनका, वो इतनी बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म्स हैं। ओके तो गाइस नुब को देखते हैं कि क्या सीन होने वाला है, और नुब कितनी देर में आती है, अभी देखकर पता चलेगा कौन सी गाड़ी लेकर जा रही है नुबड़ी। ऑल राइट, वो बहुत प्यार से जाएंगे हम, बहुत आराम से लैंड करवाएंगे, आराम आराम से डोज देंगे, खतरनाक वाला नहीं देंगे। ऑल राइट गाइस नुब ला रही गाड़ी, और नुब देख रहे तो देती कहाँ है तू। तो गाइस आप ये चेक करो नुब की गाड़ी, वही वाली गाड़ी है, एकदम बकवास रहे थे गाड़ी को देख कर ना, मेरा दिल खराब हो गया था कि ये वाली गाड़ी स्टार्टिंग में दी है, मतलब अब तो होने ही नहीं वाला है, और ये विगलांटे हवा में झूल रही है, मुझे डर लग रहा था पहले, मुझे लग रहा था कि ये लैंड नहीं करेगी। एक बार फिर से रिस्पॉन मारा है विगलांटे को, उसकी लैंडिंग खराब हो गई थी, उसकी तबीयत रास्ते में खराब हो गई थी, उसको अपने घर जाना पड़ गया था। ओके आप चेक करो कितनी पतली है कि मुझे ऊपर से देख कर भी डर लग रहा है कि इसको उतारूं कहां, लैंडिंग कहां दूं। एक बार और रिस्पॉन मारा गाइस, और मुझे डर लग रहा है कि मैं इसको बूस्ट मारूं कि नहीं, बट लैंड करवाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये एक तो वैसी बूस्टर गाड़ी है, ऊपर से लैंडिंग की कोई जगह ही नज़र नहीं आ रही कि कैसे लैंड करवाऊं, बट लैंड हो गई है तो अब ओके शायद चली जाए, वैसे ये भी कोई इतनी चौड़ी और मोटी गाड़ी तो नहीं है जो नहीं जाएगी, बट आराम से नहीं जाने वाली, गिरना होगा तो गिर जाएंगे बूस्टर में भी, बट बच गई मैं, थैंक गॉड थैंक गॉड थैंक गॉड। नो बना गाइस एक भी गाड़ी डिलीवर नहीं कर पाई है, इतना कोई गुस्सा आ रहा होगा ना उसको, इतना कोई गुस्सा आ रहा होगा कि रास्ते में मिल जाऊँ ना तो मुझे मारने लग जाए, तो उसके गुस्से को थोड़ा सा और तड़का लगाएंगे, रास्ते में मिलेगी ना तो उसको अच्छा वाला तड़का लगाएंगे, मिर्च मसाले वाला। नुब को चढ़ाते हैं अभी, वैसे मैं जहाज़ के साथ कोई पंगा नहीं करने वाली, जहाज़ वैसे ही मेरा बहुत सेंसिटिव है। नुब गाइस नुब को डरा रही थी, लेकिन नुब डर ही रही, बड़ी चुड़ैल है। ऑल राइट गाइस एक बार फिर से आ गई है हमारे पास रेड वुड, फिर से नहीं आई है, एक ही बार आई है, रेड वुड आ गई है, लेकिन मैंने इसको रीस्पॉन मारा है तो दोबारा आ गई ना, एक बार लाल आई थी, अब पिंक आ गई, पिंक ही पिंक ही, ये पिंक लग भी रही है, मुझे तो रेड ही लग रही है।
गिर गई एक बार फिर से बाहर है। अब पिंक लग रही है, अब तो पिंक, लेकिन रेड और पिंक का थोड़ा सा कंट्रास्ट लग रहा है मुझे, हल्का फुल्का टच है इसके अंदर रेड का, क्योंकि उनको पता है मुझे रेड कलर बहुत पसंद है। किन को पता है, किन को, क्रिएटर्स को नहीं मालूम है, वो पता नहीं कौन होते, अननोन, क्या बोलते हैं उन्हें, वो आई डोंट नो क्या बोलते हैं, मेरा दिमाग से निकल गया। बहुत प्यार से जाएंगे, बहुत आराम से जाएंगे, बहुत नामालूम अफराद, नामालूम, नामालूम अफराद है वो। ओके तो गाइस बहुत आराम से मैंने डिलीवर करवा दिया, इतनी खतरनाक मेगा रैम चैलेंजेस आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। और आप लोग क्या कर रहे हो, लाइक के बटन को क्लिक करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे क्रियू को ज्वाइन करना ज़रूरी है। अगर आप हमारा क्रियू ज्वाइन करना चाहते हो, हमारे साथ खेलना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, उसे कंप्लीट वॉच कर लो और हमारे क्रियू का हिस्सा बन जाओ, साथ में हमारे साथ फन और एंटरटेनमेंट कर सकते हो मिलके। वैसे देखने में भी मज़ा आता है वीडियोस को, लेकिन खेलने में भी मज़ा आता है। खेलने में तो पता चलता है ना कि देखना कितना आसान है और खेलना कितना मुश्किल है। लोग बोलते होंगे कितना चीखती है फ्रॉगी, हमारा कान खा जाती है, बट कितना डर लगता है, कितना डर लगता है, वो डर मैं आपको फील करवाती हूँ कि डर मुझे इस वक्त लग रहा है। ऑल राइट, बढ़िया फिल्म की तरह, हॉरर फिल्म की तरह मैं आपको फील करवाती हूँ डर। ओके गाइस, दोबारा से गाड़ी रिस्पॉन्ड की, अच्छा हुआ फटी नहीं थी लेकिन गिर गई थी, पर एंड में जाकर फटती ना तो मैं अपने आप को थप्पड़ मारना शुरू हो जाती कि क्या किया फ्रॉगी, तो कैसे भूल जाती है, कैसे, वैसे बड़े दिमाग चलते हैं तेरे और वैसे भूल जाती है। तो ओके, बहुत प्यार से जा रही है, बहुत प्यार से जा रही है। और गाइस गाइस गाइस, नुब भी पहुँचने वाली है लग तो रहा है आगे, अभी मुझे नुब नज़र तो आ रही है, पहुँचने वाली है नहीं, लुढ़क गई एंड में, लुढ़क गई और थैंक गॉड कि मैं आ गई। एक बार गाड़ी गिरती है मेरी, दूसरी बार मैं इज्जत के साथ ले आती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी इज्जत का भी ख्याल होता है, बिकॉज आई एम प्रो, और प्रो होने का कोई ना कोई क्रेडिट तो होता है ना गाइस, आप लोग क्रेडिट दे सकते हो बस वीडियो को लाइक मार के, और कुछ नहीं चाहिए होता, जस्ट एक लाइक चाहिए होता है आप लोगों को। आप लोग लाइक करते हो ना, आपकी दी की बैटरी ना फुल चार्ज हो जाती है, और चार्ज होने के बाद मज़ेदार मज़ेदार आप लोगों के लिए खतरनाक खतरनाक चैलेंजेस लेकर आती है, और ये काफ़ी ख़तरनाक है मेरे लिए तो चैलेंज। बाकी देखते हैं पूरा कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि लास्ट विकल होने वाली है, आगे विनिंग फ्लैग है। और नुब को देखते हैं कितनी गाड़ियाँ डिलीवर करती है, मुझे जाती हुई नज़र आ रही थी, बट अभी देखते हैं नुब क्या कर रही है। तो गाड़ी को किया है मैंने वापस से रिस्पॉन, ओह माय गॉश गाइस, नुब की तो आज बैड लक चल रही है, कोई गाड़ी लेकर जा रही है। तो गाइस ये वाली ट्रैक ना सच में इम्पॉसिबल ट्रैक है, मतलब के बहुत सारे लोग इसे नहीं कर पाएंगे, बहुत कम लोग होंगे जो इस बेचारे ट्रैक को कंप्लीट कर सकते, बहुत पतली ट्रैक है। स्टार्टिंग में जब मैंने गाड़ी को लैंड करवाया था ना, मुझे पता चल गया था ये मुझसे भी नहीं होगी, बट फिर भी आपको पता है आपकी दी हार नहीं मानती है, मैं हर मुश्किल काम करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि काम हमारे लिए ही बनाए जाते हैं, बस करने के लिए थोड़ा हौसला और जज्बा सही चाहिए होता है। एक घंटा नहीं लगेगा तो दो घंटे लगेंगे, दो घंटे नहीं लगेंगे तो तीन घंटे लगेंगे, चाहे पूरा दिन लग जाए, पर काम मुश्किल हो करो, मुश्किलों से ही तो सीखता है इंसान, और मुश्किलें बाद में आपके लिए आसानियाँ बन जाती हैं। तो गाइस इस ट्रक को लेकर जाना मुश्किल है, क्योंकि ट्रक थोड़ा बड़ा है और ट्रैक बहुत खतरनाक है, तो आराम से लेकर जाएंगे और आराम आराम से जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेरे सर पे भूत सवार नहीं है या नुब का कोई पीछे से प्रेशर नहीं है, बिकॉज नुब तो बेचारी आ रही है, गिर रही है, जा रही है, आ रही है और आ रही है और जा रही है, कर रही है, उसका आना जाना नहीं ख़त्म हो रहा है। लग रहा है नुबों की तबीयत ख़राब है, नुब का पेट ख़राब है, मुझे ऐसा लग रहा है, जल्दी से आती है फिर आधी ट्रैक पूरी नहीं करती है, कहती है फ्रॉगी मैं घर जा रही हूँ, मुझे मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, फिर भाग जाती है। और राइट गाइस, आपकी दी इसको भी लेकर आ गई है, एकदम बेकार ट्रक था, बट मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इसको लाने वाली हूँ, बट फिर भी मैं ले आई हूँ। और आपकी दी ऑलवेज बेस्ट है, प्रो तो है पर बेस्ट भी है। तो गाइस ये मेरी लास्ट व्हीकल थी और मैंने डिलीवर कर दी है, चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, कितनी भी मुश्किल हो, बस जज्बा होना चाहिए, जीत जाता इंसान। और ये नुब के तशन चेक करो गाइस, एकदम लेवल की ला रही होती है स्टार्टिंग में गाड़ी, एकदम सही ला रही होती है, एंड में जाके पता नहीं इसका दिमाग सटक जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, जेलस हो जाती है और हार गई है। नुब का हो गया DNF, विनिंग टोस्ट नुब के लिए। आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय।